ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और मैंने ठोक के कहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश अनुसार हुआ है। नंबर दो, हमने कहा कि ये 712 ये बिल्डिंग बकायदा रजिस्टर्ड करके भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द की जाएगी। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका स्थापना दिन है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से ये दिन हर साल हम मनाते हैं। आज भी मनाया गया है, लेकिन आज हमारे लिए सोने पे सुहागा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिन के साथ साथ हनुमान जयंती भी है। और इस अवसर पर आज मीरा भाईंदर का जो कई सालों का सपना था, तमाम कार्यकर्ताओं का, जो आज से 40 साल पहले जुड़े, 30 साल पहले जुड़े, 10 साल पूरे जुड़े, कल जुड़े, कि सबका सपना था कि इस मीरा भाईंदर में हम सबका एक स्वतंत्र अच्छा कार्यालय हो जहाँ सभी व्यवस्था हो, तो आज वह यहाँ पर हमने विधिवत उसका भूमि पूजन किया और जल्द ही ये कार्यालय हम पूरा करेंगे ताकि आने वाला हम जो स्थापना दिन है वो इस कार्यालय में मना सकें। इस कार्यालय के भूमि पूजन के वक्त जिला अध्यक्ष नदारद रहे, कहीं ना कहीं गुटबाजी खुल के सामने आते हुए नजर आए। देखिए, हमने कहा कि ये कार्यालय ना मेरा है ना तेरा है, ये कार्यालय तमाम उन कार्यकर्ताओं का जो जब जब इस पद पे आएगा, इस कार्यालय की जवाबदारी उस पे रहेगी। तो ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में कोई भूमि पूजन नहीं था, सभी को आना चाहिए था, सभी को नियोता दिया। अब कौन आया कौन नहीं आया उनकी अपनी अपनी बात है। कहना जानकारी नहीं है और ये भाजपा का कार्यक्रम, वो देखिए कोई अभी भाजपा का कार्यक्रम नहीं है तो अब मेरा कार्यालय है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और मैंने ठोक के कहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश अनुसार हुआ है। नंबर दो, हमने कहा कि ये 712 ये बिल्डिंग बकायदा रजिस्टर्ड करके भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द की जाएगी। तो ये अनधिकृत है कि अधिकृत है तो आपको समय पे ही पता चलेगा। तो मैं इन सब बातों पे नहीं जाता हूँ। हमारी जो जवाबदारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जो विचार है, उसको हम आगे लेके जाने का हमेशा प्रयास करते हैं। इस कार्यालय को कितने साल लगेंगे बनने के लिए? 365 दिन। साल क्यों पूछ रहे? किस तरह की सुविधाएं इसके अंदर में? हाँ, सुविधाएं किस इसके अंदर? सभी तरह की जो एक पार्टी के लिए और जनता हित के लिए जो कार्य होते हैं उसकी जो जो सुविधाएं, जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता जो है उनकी अपनी एक क्रेडिट सोसाइटी होगी, पद संस्था होगी। इस कार्यालय के अंदर वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो बस्ती में रहने वाला से लेके बंगले से, इमारत से लेके गली चौल में सब रहने वाले सभी प्रकार के लोग जुड़े। सभी कार्यकर्ताओं के अपने अपने सुख दिन होते हैं, सुख के और दुख के दिन होते हैं, तो ये एक पद संस्था इसलिए निर्माण कर रहे हैं कि वो उनके सुख दुख की साथी बने। साथ ही साथ मीडिया रूम है, हमने इसके अंदर स्टूडियो बनाया है, सोशल मीडिया रूम बनाया, सभागृह बनाया, हमारे हॉल बनाया ताकि हमारी बैठकें मीटिंगें हो सके। उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम है, एक बोर्ड रूम है, इसके अंदर कैंटीन है, सभी हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके अपने अपने कैबिन है कार्यालय, ताकि वो अपने अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। और भी जितनी सुविधाएँ लगती है वो सारी इस कार्यालय के अंदर है। ये कार्यालय मैं कारपेट बात करता हूँ तो 18,000, मैं अगर सुपर बिल्टअप बात करता हूँ तो करीबन ये कार्यालय 28-30,000 फुट का ये कार्यालय बनने जा रहा है। ये पार्ट स्टील प्लस 3 का कार्यालय है और इसकी हाइट ऊंचाई जो है वो 56 फुट के आसपास है और चौड़ाई करीबन अंदाज से 100 या 110 फुट के आसपास है। किसके नाम पर दिया जाएगा इसका जो भूमि पूजन हुआ है, वरिष्ठों की जानकारी में है क्या सर? मैंने एक बार नहीं चार बार कहा, वरिष्ठों के आदेश अनुसार ही ये कार्यालय हो रहा है ना, नहीं तो इतना बड़ा कार्यालय कौन बनाएगा? क्योंकि कल हम रहे ना रहे, लेकिन कार्यालय तो हमेशा रहेगा, इसलिए स्वाभाविक है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। पद पे लोग आएंगे, पद से लोग जाएंगे, लेकिन कार्यालय ये हमेशा पार्टी का था, है और रहेगा।